हार्ट का कार्य हुआ काफ़ी तेज हुआ है, जो आज आपको भाई इस वीडियो में दिखाएगा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आपको एक नए वीडियो में भाई आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अभी हुआ है और इस घाट का जो कार्य है काफ़ी तेज हुआ है। अभी आप लोग देख कर चौंक जाएंगे कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर टूटा था और पूरा पटिया देख सकते हैं बिछ गया है और जो कार्य है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो आइए चलते हैं बैक कैमरे से, आपको दिखाते हैं तथासु में रोड मार्ग जो चौड़ीकरण हो रहा था उसका कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है आज अभी कुछ दिनों पहले यहाँ इस टाइम। तो नज़ारे आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, एक बेहतरीन अपडेट इस घाट का आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं बैक कैमरे, सबको दिखाते हैं। और जैसे भाई लोग जैसा कि बता दें कि मेरा तबियत खराब, मैं जाकर थोड़ा वीडियो नहीं शूट कर पा रहा हूँ, तो वीडियो में थोड़ी लेट हो रही है, तो माफ़ी चाहते हैं आप लोग को। तो वीडियो बने रहेगा और भाई को कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आइए चलते हैं बैक कैमरे से दिखाते हैं अपडेट एक नया आज का। जैसा कि आप भाइयों को दिखा दे सकते हैं, अभी कुछ दिन मेरे पहले ही वीडियो एक आया होगा, तो ये सब बिछा नहीं था पटिया, और अभी देख सकते हैं पूरा सारा तरीके से पटिया बिछ गया है। और इधर देखते हैं दीवार का खड़ा करने का कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जो आप भी देख रहे हैं। और इधर देख सकते हैं कार्य जो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और इधर तक देख सकते हैं ये सारा पटिया बिछ गया है। तो काफ़ी चौड़ा और काफ़ी दूर में स्पेस अब दिख रहा है, और काफ़ी स्पेस दिख रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। अब स्पेस के वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इधर देख सकते हैं कार्य जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल भी रहा है। तो ये देख सकते हैं नज़ारे हैं, और देखते हैं आगे, देखते हैं दीवार का जो जुड़िया का भी कार्य है जो काफ़ी तेज़ी से स्पीड लिया है, जो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, देख सकते हैं आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। और इधर देखते हैं काफ़ी तेज़ी से, और देखते हैं ऊपर जो फैंसलेबल लाइट है वो लग चुकी है। ये सब जो कार्य है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है सारा कार्य। आइए आगे चलते हैं, आगे भी चल के दिखाते ना जाए, तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। जैसे इधर कभी कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जो पटिया बिछाने का जो कार्य है, और इधर जैसे जुड़ैया का कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इधर देखते हैं कार्य जो काफ़ी तेज़ी ले लिया है। इधर का कार्य दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, अभी काफ़ी तेज़ी से इधर जो पूरा पटिया बिछ रहा है, आप देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जो चौड़ा देखते हैं इधर पटिया बिछ गया है, तो अब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, क्योंकि रोड मार्ग चौड़ाकरण काफ़ी हुआ है, अब चौड़ा हो गया ज़्यादा स्पेस में। एक बार दिखाऊँगा इधर से आप लोग को, स्पेस हो गया इसके वजह से काफ़ी खूबसूरत लगा देखने में। सामने आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये स्पेस होने की वजह से इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और सामने बगल देखते हैं दशा सुमेध भवन है, जो यहाँ की सारी दुकानें इस भवन में शिफ्ट हुई हैं। और देखते हैं इधर कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से लिया है रूप, और देखते हैं सुलभ शौचालय जो अभी अतिक्रमण हटाने के बाद अच्छा दिख रहा है, अब सामने से दिख रहा है। और देखते हैं इधर सफैया वफैया का भी कार्य है जो प्रगति पर है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी तेज़ी है। जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भाई आया था तो ये पटिया नहीं बिछा था, अभी ये पटिया पूरा बिछ गया है, पूरा पटिया बिछ गया है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़ हो गया है ये पूरा कार्य, कितना तेज़ी में हो रहा है। और उसके बाद मैं दोस्तों दिखाना चाहूँगा आपका, इधर का देखते हैं पटिया बिछाने का जो कार्य है, इधर भी रफ्तार ले लिया है, इधर का पूरा समझ लीजिए कि मलबा हटा का पूरा एक हफ्ते के अंदर ही पूरा ये पटिया इधर बिछाया गया है, आप सोच लीजिए कितना तेज़ी है, एक हफ्ते के कम ही टाइम में। देखते हैं इधर कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से हो भी रहा है, जो आप दिख रहे होंगे काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं सामने सब्जी मंडी वाला रोड, सब्जी मंडी वाला था, इधर सब्जी मंडी थी, तो सब्जी मंडी को हटा कर पूरा देखते हैं इधर भी राजेंद्र प्रसाद घाट पर भी इधर पूरा चौड़ीकरण किया गया है। और चौड़ीकरण के बाद जैसा कि बता दें कार्य में जो तेज़ी आई है वो अपडेट भाई आप तक तो पहुँचा रहे थे, काफ़ी तेज़ी से कार्य जो है गति पकड़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद से, हालांकि उसके पहले भी कार्य चल रहा था। तो अभी देख सकते हैं मैं दो चार दिन में कार्य का जो प्रगति है, कार्य जो चल रहा है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जो आप देख पा रहे हैं।
तो आइए चलते हैं घाट पे, चलते हैं घाट का क्या अपडेट है वो देते हैं आपको। सीधा देखते हैं मशीन से गिट्टी बालू मेजर का कार्य जो है वो हो रहा है। कार्य में रियल में काफ़ी तेज़ी जो है आपको देखने को मिलेगा। ये सब्जी मंडी वाला रूट मार्ग है जो अभी तरह पूरी तरीके से इधर पटिया बिछाने का कार्य जो है तेज़ी से चल रहा है। और उसके बाद देख सकते हैं ये सब्जी मंडी के सामने वाला रोड था सीधे राजेंद्र प्रसाद घाट का, तो इधर के भी कार्य देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से चल रहा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर भी देख सकते हैं कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से जो चल रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले मैं आया तो पट्टिया नहीं बिछा था, अभी देखते हैं पूरी तरह से पट्टिया बिछ गया है और लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार्य जो काम जो काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। ये आज का अपडेट लेटेस्ट है जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, काफ़ी तेज़ी हुई है कार्य में। और इधर जल निगम का स्टेशन है जो आपको दिख रहा होगा, जल निगम स्टेशन। और ये राजेंद्र प्रसाद घाट। और इधर देखते हैं मान महल जो पूरी बनारस की छवि आपको इस महल के अंदर दिखाई देगी। इस महल के अंदर जाने के बाद पूरा बनारस भ्रमण करने का आपको मौका मिलता है जो काफ़ी बनारस की जितनी भी खूबसूरतियां हैं इतने बेहतरीन स्पेस। और इधर काशी विश्वनाथ भक्तों के लिए भी काफ़ी स्पेस जो देखने को आपको मिल रहा है जो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा अब जाके लग रहा है। अंदर पहले पूरी सकरी गलियां थी, दोनों तरफ से दुकान था। ये जो सामने का नज़ारा देख पा रहे हैं आप लोग, ये दोनों तरफ से दुकान था, ये पूरी सकरी गली थी छोटी सी, तो अच्छा नहीं लग रहा था लोग आ जा रहे हैं। तो अब देखने में आप लोग को भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से राजेंद्र प्रसाद घाट और घाट का क्या अपडेट है वो आपको दिखाते हैं अभी का, तो वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि इधर दिखा दे दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इधर देख सकते हैं यहाँ पे पूरा गड्ढा था, नाली टाइप में पूरा बना, पटिया लगाने के लिए देखते हैं बनाया गया था। अब देखते हैं नीचे दिखाते हैं, मैं इधर पूरा बीच गया पटिया, नीचे डिजाइन से बना दिया गया है। और देख सकते हैं पूरा चौकी नुमा बनाया है लोगों को बैठने के लिए। इधर देख सकते हैं अभी सब दुकानें हैं जो हट जाएंगी, ये अभी नया बना हुआ है। तो काफ़ी तेज़ी से देखते हैं इधर पूरा और आगे चौड़ा हो गया है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। इधर मैं दिखा दूँ, इधर काफ़ी चौड़ा हो गया है, तो देखते हैं ये फिर चला जाएगा आपको गोदौलिया चौराहा और पीछे का जो रास्ता वो चला जाएगा दशाश्वमेध घाट। और जो थोड़ा थोड़ा बचा है कार देखते हैं हो रहा है काफ़ी तेज़ी में, जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ कार है वो हो रहा है काफ़ी तेज़ी में। तो ये दशाश्वमेध घाट का नज़ारा है कुछ शाम का इस कदर है जो आप अभी देख पाए हैं। दशाश्वमेध घाट का नज़ारा है जो अभी गंगा आरती के लिए पूरी तरीके से सफैया किया गया है, मैं देख चल के दिखाता हूँ आप लोग को। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये अभी का। आइए चलते हैं आगे आके दिखाते हैं आप लोग को जहाँ पे गंगा आरती होता है उसके नज़ारे। तो देख सकते हैं यहाँ पे होती है गंगा आरती, शाम को यहाँ पे गंगा आरती होती है। देख सकते हैं अभी सफैया पूरी तरह से जो किया गया है कुछ इस कदर है जो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो काफ़ी खूबसूरत लगता है घाट, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इस घाट की एक खासियत और भी है कि यहाँ पे पिंडदान वगैरह, अस्थि विसर्जन पिंडदान सारे चीज़ें यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो रहा है आप देख पा रहे हैं, वैसे इस घाट पे प्रसिद्ध है इसीलिए ये घाट। तो नज़ारे देखें, ये आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जैसे तो ये पूरा चौबूतरा धोया गया है आरती के लिए। तो ये अपडेट था दोस्तों, ये देखिए एक लेटेस्ट अपडेट था जो दशाश्वमेध घाट रोड मार्ग चौड़ीकरण का, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए यहीं से भाई करता है वीडियो क्लोज और आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर अदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। भाई के चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखते हैं भाई तबीयत खराब है फिर भी आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहता है, तबीयत खराब है फिर भी आप लोग के लिए एक नया नया अपडेट लेकर आ रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं आप सभी भाइयों से मेरा। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।